नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा फूड्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लाई हूँ पालक मेथी और मूंग के पकौड़े, जो बहुत पौष्टिक हैं और सर्दियों में टेस्टी भी लगेगा। आप उसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, 4 बजे की चाय के साथ, मॉर्निंग की चाय के साथ, हर तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मूंग की दाल के आज पकौड़े बन रहे हैं। साबुत मूंग मार्केट में खूब आ रही है आजकल। तो ये मूंग है, इसको मैंने 8 घंटे पानी में भिगो के और रात को कैसरोल में ऐसे रख दिया था, तो ये अंकुरित भी हो गई है थोड़ी सी। बच्चे खाते नहीं हैं सीधे से सब्जियाँ, तो इसमें पालक मेथी डाल के मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ आज। तो इसको पीस के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने मिक्सी जार में ले लिया है और उसमें मैंने पीसते ही समय ये मिर्च काट ली है, मोटी वाली जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अदरक भी काट लिए और इसमें नमक अंदाज से डाल के अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो दोस्तों, ये पीस लिया है। पीसते समय अदरक हरी मिर्च डाल ली थी, थोड़ा नमक भी डाल लिया था। तब सीजनिंग करूँगी मैं। ये मैंने हींग डाल दी, नमक मैं पीसते समय डाल चुकी हूँ, तो थोड़ा नमक और डाल रही हूँ मैं। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, अमचूर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। और दोस्तों, मैंने एक मसाला अभी अपने उसमें वीडियो में डाला है, तो वो मसाला मैंने बनाया है, बहुत टेस्टी मसाला है, हमारे हर सब्जी में हर उसमें पड़ता है। तो ये डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच। मसाला मैंने कल ही अपलोड किया है, तो आप देखिएगा ज़रूर। अभी सीजनिंग मैंने कर लिए, तो इसको थोड़ा फेंट लें ताकि हवा भर जाती है और ये लाइट हो जाएगा। अब जो अब पकौड़े बनेंगे इसके, वो मुलायम बनेंगे, सॉफ्ट होंगे अंदर से। तो इसको फेंट लें, फेंट लिया मैंने इसको। अब इसमें जो स्पेशलिटी है मेरे आज के पकौड़ों की, वो एक तो मूंग के पकौड़े बना रही हूँ, साबुत मूंग के, अंकुरित मूंग के, और दूसरी इसमें पालक और मेथी। बच्चे खाते नहीं हैं हरी सब्जियाँ, तो इस तरह से खिलाती हूँ मैं उनको। तो मेथी में डाल दी मैंने, प्याज डालेंगे, एक प्याज मीडियम साइज़ की प्याज काट के वो डाल दी मैंने। हरी मिर्च इसमें मैं डाल चुकी हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च काट के भी डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाली मैं ये हरा धनिया, तब इसको मिला के मिक्स कर लूँगी और इसके पकौड़े बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने फेंट लिया है पालक मेथी प्याज और हरा धनिया डाल के, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके पकौड़े बनाऊँगी मैं, तो आपको दिखाती हूँ। तेल चढ़ा रखा है मैंने, तेल अंदाज से आप ले लें और उसको तेज़ गर्म कर लें। हाई फ्लेम पर डालना है, बाद में आपको मीडियम कर देना है ताकि अंदर से सिक सकें। देखिए दोस्तों, ये हो गया पकौड़े बन के तैयार हैं, पालक मेथी के, मूंग के। ये देखिए, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर में, ताकि इसका तेल एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर में। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और आप भी बना के खाइएगा। सर्दी का मौसम है, सब हरी वेजिटेबल मिल रही है इस समय, बच्चों को पसंद आएगा आपके। ज़रूर बनाइएगा आप और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगे आपको। देखिए दोस्तों, प्लेटिंग कर दी है मैंने। मैंने बनाए थे आज पालक मेथी के पकौड़े, मूंग के, मूंग भिगो के अंकुरित करके उसके बनाए थे। उसके साथ हरी चटनी है, हरी धनिया की सिंपल चटनी जो हर घर में बनती है, सौंठ इमली की जो हर घर में रहती है, और इसका वीडियो मैं डालूंगी सॉट का। तो ये मैंने तैयार कर दिया है प्लेट, आप भी बना के खाएं, पूरा वीडियो देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल पहली बार आए हैं
और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी आएगा, उसको भी आप दबाएं दबाएं और ताकि मैं जो भी रेसिपी करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगली रेसिपी लाने तक टेक केयर, बाय बाय।